तो हम क्या देखने जा रहे हैं, हेरिटिकल इनहेरिटेंस नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या देखने जा रहे हैं, हेरिटिकल, हेरिटिकल इन हेरी हेरिटेंस, हेरिटिकल इनहेरिटेंस। तो हेरिटिकल इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं, दोज हेरिटेंस, दोज हेरिटेंस विच इज इनहेरिट, क्या करता है, इनहेरिट करता है, क्या करता है, इनहेरिट करता है क्या, सिंगल, क्या क्या सिंगल सब क्लास, सिंगल क्या, सिंगल जो इनहेरिट, इसमें क्या इनहेरिट क्या करेगा कि सिंगल ड्रा क्या हो जाएगा कि मल्टीपल क्या होगा कि मल्टीपल डिराइव क्लास को, मल्टीपल डिराइव क्लास को किसमें नहीं, क्या सिंगल इनहेरिटेंस क्लास को किस क्या करेगा कि मल्टीपल ड्राइव क्लास में क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेरिटिकल इनहेरिटेंस। चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, हेरिटिकल इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं, दोज 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 इन हेरिटेंस, दोज इनहेरिटेंस, दोज इनहेरिटेंस विच इज इनहेरिट द जो इनहेरिट करता है क्या चीज, मल्टीपल सिंगल सिंगल सब क्लास, सिंगल सिंगल बेस क्लास, सिंगल बेस क्लास, सिंगल बेस क्लास इनटू सिंगल बेस क्लास इनटू मल्टीपल मल्टीपल सिंगल बेस क्लास इनटू मल्टीपल मल्टीपल सब और डिराइव क्लास इज नॉन एज हेरिटिकल इनहेरिटेंस, हेरिटिकल इन हेरिटेंस, हेरिटिकल इनहेरिटेंस, हेरिटिकल इनहेरिटेंस कैसे बोलेंगे, दोज इनहेरिटेंस, वह इनहेरिटेंस जो क्या करता है, इनहेरिट करता है सिंगल बेस क्लास को, सिंगल बेस क्लास को मल्टीपल डिराइव क्लास में क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, ट्रांसफर करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेरिटिकल इनहेरिटेंस। हेरिटिकल इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा, इसको साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो बेस क्लास होता है, जो देने वाला क्या होता है, देने वाला एक होता है और लेने वाला एक से अधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेरिटिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेरिटिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे टीचर क्या होता है कि टीचर पढ़ाने वाला क्या होता है, टीचर पढ़ाने वाला एक होता है लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने होते हैं, मोर देन वन होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हेरिटिकल इनहेरिटेंस। तो जो अपने जो टीचर है अपने नॉलेज को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसमें, स्टूडेंट में, स्टूडेंट मोर देन वन स्टूडेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, हेरिटिकल इनहेरिटेंस। और क्या करेगा, जब टीचर जब एक शिक्षक केवल एक स्टूडेंट को, एक शिक्षक क्या केवल एक स्टूडेंट को क्या करेगा, नॉलेज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, अपना जो नॉलेज है वो क्या करेगा, एक एक केवल एक ही स्टूडेंट को क्या करेगा, जिसमें देने वाला एक हो लेने वाला एक हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। अब और क्या, जिसमें और जिसमें क्या होता है कि देने वाला क्या हो, देने वाला अनेक हो, जैसे मोर देन वन टीचर, जब देने वाला जो है पढ़ाने वाला एक से अधिक टीचर हो और लेने वाला क्या हो केवल एक टीचर हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग मल्टीपल क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। और हेरिटिकल इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे कि जिसमें देने वाला एक है लेकिन लेने वाला मोर देन वन है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेरिटिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। जैसे जैसे क्या हो जाएगा कि देने वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, बेस क्लास, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, बेस क्लास इसको ले लिए, ये हम लोग का हो गया बेस क्लास, क्या हो गया, बेस क्लास। और लेने वाला कितना है, लेने वाला एक दो तीन, एक दो तीन हो गया, देने वाला एक है लेकिन लेने वाला तीन है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको हम लोग ले लेते हैं ए, इसको हम लोग लेते हैं बी, इसको सी, इसको सी, इसको डी, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा हेरिटिकल इनहेरिटेंस। और ये तीनों हम लोग का क्या हो जाएगा, ये तीनों हम लोग का हो जाएगा सब सब और
सब और डिराइव, सब और डिराइव क्लास, सब और डिराइव क्लास। तो क्या हो गया हम लोग का सब और डिराइव क्लास। तो सब और ये क्या हो गया हेरिटिकल इनहेरिटेंस। हेरिटिकल इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे, जिसमें लेने वाला एक से ज्यादा हो और देने वाला एक ही हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग को हेरिटिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का हेरिटिकल इनहेरिटेंस। चलिए हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ हेरिटिकल हेरी फॉर्मेट ऑफ हेरी हेरिकल हेरिटिकल इन हेरिटेंस हेरिटिकल इन हेरिटेंस। फॉर्मेट क्या देखने जा रहे हैं, फॉर्मेट देखने जा रहे हैं किसका, फॉर्मेट किसका देखने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस का। जिसमें क्या हो जाएगा उन लोग का, जिसमें उन लोग का हो जाएगा पब्लिक 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 बेस। पब्लिक बेस क्या हो जाएगा, सिंगल फिर कॉलन। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का डिराइव, क्या हो जाएगा डिराइव, क्या हो जाएगा क्लास क्लास, क्या हो जाएगा डिराइव डिराइव ए डिराइव 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 क्या हो जाएगा बी डिराइव डिराइव सी डिराइव सी और डिराइव डिराइव डी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मेट हो जाएगा किसका, हेरिटिकल इनहेरिटेंस का। ये क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मेट किसका, हेरिटिकल इनहेरिटेंस का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया हम लोग का हेरिटिकल इनहेरिटेंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको हम लोग यहां बना देते हैं, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, क्या जाएगा सी। ये क्या हो गया हम लोग का हेरिटिकल इनहेरिटेंस। अब हम लोग क्या देखते हैं नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ में देखते हैं मल्टी, क्या मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इन हेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या देखने जा रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं, दोज, क्या दोज इनहेरिटेंस, वह इनहेरिटेंस जो क्या करता है, जो क्या करता है सिंगल इनहेरिटेंस, क्या सिंगल इनहेरिटेंस को क्या करता है, सिंगल सिंगल ड्राइव सिंगल बेस क्लास को क्या करता है, सिंगल ड्राइव क्लास में क्या करता है, इनहेरिट करता है, ट्रांसफर करता है। लेकिन उसके साथ क्या, उसके साथ क्या होता है, बेस क्लास भी ट्रांसफर हो जाता है, क्या हो जाता है बेस क्लास भी ट्रांसफर हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख करेंगे तभी बढ़िया से समझ में आएगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं, तो क्या बोल रहा है कि दोज इन हेरिटेंस, दोज इनहेरिटेंस विच दोज इनहेरिटेंस विच
विच इज इन हेरिट इनहेरिट इनहेरिट द सिंगल इनहेरिट द सिंगल बेस क्लास सिंगल बेस क्लास सिंगल बेस क्लास इंटू इंटू सिंगल इंटू सिंगल सिंगल सब और डिराइव सिंगल सब और डिराइव क्लास सिंगल सब और डिराइव क्लास एंड 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 दैट क्लास और वह क्लास दैट क्लास आल्सो इनहेरिट इनहेरिट दैट क्लास आल्सो इनहेरिट इनहेरिट अनदर 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 क्लास फ्रॉम फ्रॉम बेस क्लास बेस क्लास इज 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 नॉनेज इज नॉनेज मल्टी 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 लेवल इन हेरी टेंस मल्टी लेवल इन हेरी टेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे क्या बोल रहा है कि दोज इनहेरिटेंस वह इनहेरिटेंस जो क्या करता है जो इनहेरिट करता है सिंगल बेस क्लास को सिंगल बेस क्लास को इनहेरिट करता है ट्रांसफर करता है सिंगल बेस सब क्लास में सिंगल जैसे क्या हो गया कि हम लोग का हो गया सिंगल इनहेरिट क्लास अरे ये भी क्या हो गया सिंगल ये क्या हो गया हम लोग का सिंगल ये क्या हो गया हम लोग का सिंगल सिंगल बेस क्लास क्या हो गया सिंगल बेस क्लास सिंगल बेस क्लास और ये क्या हो गया हम लोग का सिंगल ये क्या करता है हम लोग का सिंगल सिंगल सब क्लास सिंगल सब क्लास तो क्या बोल रहा है कि उस वह इनहेरिटेंस वह ट्रांसफर करने वाला जो क्या करता है कि इनहेरिट कर ट्रांसफर करता है सिंगल बेस क्लास को सिंगल सब क्लास में इनहेरिट करता है लेकिन और क्या होता है कि वह अल्सो इनहेरिट और क्या होता है कि सिंगल बेस क्लास होता है वह भी क्या हो जाता है इसके साथ इनहेरिट हो जाता है तो इसमें भी क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें भी हो जाएगा सिंगल तो एक इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं ए तो ये क्या हो जाएगा सिंगल बेस क्लास सिंगल बेस क्लास ये क्या हो गया सिंगल बेस क्लास वन इसको सिंगल बेस क्लास ए दे देते हैं उसके बाद यहाँ आएगा तो ये जो ए सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि सिंगल सब क्लास में आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का तो फिर इसमें क्या हो जाएगा सिंगल सिंगल क्या हो जाएगा बेस सिंगल बेस सिंगल बेस क्लास सिंगल बेस क्लास तो सिंगल बेस क्लास क्या हो जाएगा ये था यहाँ पर बी हो गया यहाँ पर क्या हो गया सी सी क्या हो जाएगा सी और फिर क्या होगा कि फिर यह क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि सिंगल तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा हम लोग का सिंगल सिंगल सब क्लास कितना हो जाएगा सब क्लास बी हो जाएगा सब क्लास बी हो जाएगा और सिंगल और सिंगल और सिंगल सिंगल बेस क्लास कितना हो जाएगा हम लोग का सिंगल बेस क्लास क्या हो जाएगा डी तो क्या होता है कि यह ट्रांसफर करने के साथ क्या हो जाता है कि उठ के इसी में चला आता है क्या आता है उठ के या इसी में चला आता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग उसे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस करने का क्या अर्थ हुआ जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है इसका कि जैसे क्या होता हो कि सिंगल बेस क्लास करता क्या ट्रांसफर करता हो क्या करता हो ट्रांसफर करता हो जैसे इसमें कट वाला बढ़िया काम करेगा जैसे कंप्यूटर में क्या होता है सीयूटी कट होता है तो कट में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कॉपी करने की वजह उसको क्या करते सेलेक्ट करके उसको कट करते तो क्या होता है कि वह जो उसका जो डेटा रहता है वो साथ ही साथ उठ के क्या जाता है जिसमें हम कॉपी करते हैं उसमें उसमें का उसका जो जो जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ का जो उसका डेटा इन्फॉर्मेशन रहता है वहाँ पर क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है और वह साथ में उठ के कहाँ जाता है बी जहाँ पे हम कॉपी करते हैं वहाँ तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे जो क्या करेगा जो अपने क्या करेगा कि सिंगल बेस क्लास को क्या करेगा इनहेरिट करेगा ट्रांसफर करेगा किसमें बी में लेकिन क्या होगा कि ये वाला भी जो ए वाला जितना भी है इनहेरिटेंस वो क्या हो जाएगा साथ में इसी में मिल जाएगा
क्या आ जाएगा कि ये वाला उठ के किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। तो क्या जाएगा, ए और बी हो जाएगा, क्या जाएगा ए और बी मिल जाएगा। तो क्या जाएगा, सिंगल बेस और सिंगल इनहेरिटेंस क्लास। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए अपन हम लोग देख लेते हैं इसका, क्या देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ मल्टी लेवल इन हेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फॉर्मेट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने का क्या अर्थ है कि इसमें क्या आ जाएगा, पब्लिक बेस। इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, पब्लिक बेस। उसके बाद क्या जाएगा, कॉलम हो जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा हम लोग का, पब्लिक बेस। उसके बाद क्या जाएगा, क्लास पब्लिक बेस। उसके बाद जाएगा क्लास क्या जाएगा, सब क्लास डिराइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लास डिराइव। और दूसरा में क्या आएगा हम लोग का, फिर हम लोग का आ जाएगा पब्लिक बेस वन। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लास इसमें। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर कॉलन, फिर आ जाएगा क्लास डिराइव वन। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहला वाला जो आएगा वह क्या होगा कि वह डेटा में क्या होगा कि दूसरा वाला भी इसी में आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा कि पहला जो बेस क्लास है वो किसमें, उसमें वह किस में आ जाएगा, वह क्लास डिराइव में आ जाएगा। क्या जाएगा, क्लास डिराइव में आ जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, क्लास डिराइव में। तो ये भी किस में चला गया, पब्लिक बेस क्लास वन किस में चला गया, क्लास डिराइव में चला गया, क्लास वन में चला गया, दोनों वन वन में। जैसे क्या हो गया था कि ये वाला जो क्या था, ये हम लोग का बेस क्लास जो था, बेस क्लास था वो किस में चला गया था, डिराइव क्लास में। तो दोनों क्या बन गया था हम लोग का, बेस और डिराइव क्लास, दोनों डेटा एक साथ में मिल गया था। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए हम लोग देखते हैं, मल्टी लेवल हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और क्या देखते हैं हम लोग, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या देख रहे हैं, नंबर फाइव में क्या देखने जा रहे हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं, दोज इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस। क्या ट्रांसफर करने वाले, क्या एक क्या इसमें कैसे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, दो बेस क्लास और दो से अधिक बेस क्लास डिराइव क्लास के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि दो हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन
टू और मोर देन टू टू मोर देन टू 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 और मोर देन टू हाइब्रिड टू और मोर देन टू टू और मोर देन टू बेस बेस क्लास एंड एंड सब क्लास बेस क्लास एंड सब और डिराइव सब और डिराइव डिराइव क्लास इज नॉनेज इज नॉनेज ई नॉनेज हाइब्रिड ई नॉनेज हाइब्रिड ई नॉनेज हाइब्रिड इन इन हेरी टेंस हाइब्रिड इन हेरी टेंस हाइब्रिड इन हेरी टेंस तो हाइब्रिड इन हेरी टेंस कैसे बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या था कॉम्बिनेशन मतलब क्या था संगठन टू और मोर देन टू बेस क्लास और डिराइव क्लास जैसे क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा इसको ले ए बी सी डी ई बी सी डी ई ये क्या हो गया हम लोग का इसको ले लेते हैं डी इसको ले लेते हैं ई इसको ले लेते हैं एफ ये क्या हो गया हम लोग का ये हम लोग का हो गया ये सब क्या ले लिए हम लोग ये हम लोग का हो गया बेस क्लास और ये क्या हो गया हम लोग का डिराइव क्लास आप यहाँ ज्यादा भी कर सकते हैं जैसे आप यहाँ जी भी कर सकते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया ए ए ए ए ए और ए तो इसका इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे जिसमें क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कि बेस क्लास और डिराइव क्लास किसमें मिल जा रहा है डी में मिल जा रहा है एक क्लास में मिल जा रहा है जैसे क्या बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसको किस तरह बोलेंगे जैसे ए बी जो ए बी और सी क्या है बेस क्लास वो भी क्या कर रहा है डी में मिल जा रहा है और ई एफ एन जी जो क्या है ड्राइव क्लास है वो क्या जा रहा है ई में क्या हो जा रहा है डी में मिल जा रहा है जैसे क्या बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे कहेंगे जो जो क्या हो जाता है कि दो या दो से अधिक बेस क्लास और ड्राइव क्लास क्या होता है आपस में मिल जाता है क्या होता है आपस में मिल जाता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे तो ये क्या हो गया हम लोग का तो हम लोगों ने आज क्या देखा हम लोगों ने देखा इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस में पहला हम लोगों ने क्या देखा सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया कि एक लेने वाला और एक देने वाला उसे क्या बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे एक लेने वाला और एक से अधिक देने वाला उसे क्या बोलेंगे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसके बाद क्या मल्टी इनहेरिटेंस और उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने हेरिडिकल इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं हेरिडिकल इनहेरिटेंस उसे कहते हैं जो क्या करता है जिसमें क्या होता है कि लेने वाला एक से अधिक होता है लेकिन देने वाला कितना होता है एक होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग उसे हम लोग हेरिडिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोग उसे कहते हैं जो क्या करता है कि एक लेता है और क्या करता है कि जो एक देता है वो देने वाले के पास ही चला जाता है क्या होता है कि साथ ही उठ के उसी में क्या जाता है कॉम्बिनेशन हो जाता है उसी में मिल जाता है तो ये और बी दोनों आपस में मिल जाता है तो क्या हो जाता है उसे वो क्या हो जाएगा हम लोग का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसके बाद क्या देखा हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे कहते हैं जो क्या करता है कि दो या दो से अधिक बेस क्लास या ड्राइव क्लास क्या हो आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए आपस में मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग का उसे हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे तो क्या हो गया हम लोग का इनहेरिटेंस